CDP, CDP की फुल फॉर्म होती है कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है एक सॉफ्टवेयर जो मल्टीपल सोर्सेस से डेटा उठाता है और कस्टमर्स की सारी इंफॉर्मेशन, सारे इंटरैक्शंस जो जहां पर भी होते हैं, जितनी बार भी होते हैं, वो सारा डेटा स्टोर करता है। कई लोग इसको सिंपल कस्टमर डेटाबेस भी कहते हैं। ना, ये सिंपल डेटाबेस नहीं है, सिर्फ कस्टमर का नाम, पता, मोबाइल, ईमेल नहीं है। उस इन्फॉर्मेशन से आप सिर्फ कस्टमर को पहचान सकते हो, कस्टमर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन कस्टमर क्या चाहता है, उसके इंटरेस्ट क्या है, ये सब आप पहले से पता नहीं कर सकते। अगर ये नहीं पता कर सकते तो आप कस्टमर के एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज नहीं कर सकते। कंपनीज, स्पेशली ये बड़ी कंपनीज, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, आपने देखा होगा, पर्सनलाइजेशन का यूज करती हैं। आप इनकी वेबसाइट पे एक बार जो प्रोडक्ट देखते हैं, आप देखते हैं कि वो प्रोडक्ट आपको रिकमेंडेशन में बार बार दिखता है, उसकी ईमेल्स आती हैं, उसके एड्स दिखते हैं, ये सब कुछ पर्सनलाइजेशन से होता है। ये कंपनीज पर्सनलाइजेशन इनेबल करती हैं CDP की वजह से, क्योंकि CDP में ये सारा डेटा स्टोर होता है। आज कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन अलग अलग मीडियम्स पे होता है, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इस पर उनको सर्विस सपोर्ट भी देते हैं। जितने भी मीडियम होते हैं उतनी ज़्यादा बातें, उतने इंटरेक्शन, कस्टमर खुश है, नाराज़ है, कौन सा प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कितने वक्त में ख़रीद सकता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन CDP में जाके सेव होती है। और आगे जाके ये डेटा कंपनीज यूज करती हैं अपनी मार्केटिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इफेक्टिव बनाने के लिए, और उसको पर्सनलाइज करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो डू कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू अदर्स। थैंक यू।